हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मुझे अमेज़ॉन से एक प्रोडक्ट रिसीव हुई है जो मैंने ऑर्डर किया था, एक क्लोथिंग रैक अपने रूम के लिए। तो जब मुझे पार्सल रिसीव हुआ था तो मैंने तुरंत अपने पार्सल को सैनिटाइज कर लिया है डेटॉल और पानी की हेल्प से। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सैनिटाइज कर लिया है अपने पैकेट को। तो गाइस, ये है मेरी होममेड सैनिटाइज़र जहाँ पर मैंने पानी और डेटॉल ऐड किया है। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने से पहले मैंने अपने हैंड ग्लव्स पहन लिया है। मेरी क्लोथिंग रैक। तो ये इसको आपको असेंबल करनी है, फिक्स करनी है, क्योंकि ऐसे तो क्लोथिंग रैक आपको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो इसको आपको असेंबल करनी है। तो इस तरह से आपको अलग अलग पार्ट्स में ये मिल जाएंगे। तो पहले मैं सारे प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको स्क्रू भी मिलता है, आप देख सकते हो छोटे छोटे स्क्रू मिलता है जिसकी हेल्प से आपको इसको फिक्स करनी है। और एक आपको इंस्ट्रक्शन का पेज भी मिलता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से इसको असेंबल करनी है। तो ये है क्लोथिंग रैक जो इस तरह से असेंबल करने के बाद इस तरह से दिखेगी। और यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है किस तरह से आपको असेंबल करनी है। तो इसको देख के ही मुझे असेंबल करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये स्क्रू भी इसके साथ आपको मिल जाती है जिसके हेल्प से आपको इस रैक को फिक्स करनी पड़ेगी। और ये टूल्स भी मिल जाती है जिसके हेल्प से आप स्क्रू को टाइट करेंगी। तो गाइस, इसके बाद मैंने फिर से थोड़ी सी सैनिटाइज़र स्प्रे कर दिया है सभी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि डर लगता है इस टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग करना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। तो इसके बाद मैं एक क्लोथ की हेल्प से थोड़ी सी क्लीन कर दूंगी सभी प्रोडक्ट को। तो इसको असेंबल करने से पहले मैंने अपने ग्लव्स को उतार दिया है, क्योंकि ग्लव्स के साथ इसको असेंबल करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसको देखकर ही मुझे इसको असेंबल करनी है। पहले मुझे इन दोनों को फिक्स करनी है। तो आप देख सकते हैं एक मैंने रॉड के साथ फिक्स कर लिया है। अभी मैं दूसरी वाली जो है वो नीचे फिक्स करूँगी, ये वाली, ये मैं यहाँ पे फिक्स करूँगी। देखिए, ये दोनों मैंने फिक्स कर दिया है, ये बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी है। अभी हम ऊपर की जो रॉड है उसको फिक्स करेंगे इसके साथ। तो ये है ऊपर की रॉड जो मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। तो मैंने ये
फिक्स कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। और बीच में जो ये रॉड है ये हम ऊपर लगाएंगे। तो ये रॉड लगाने के लिए आपको एक्स्ट्रा स्क्रू दे रही है, ये स्क्रू थोड़ी सी बड़ी है पहले वाली से, तो ये मैंने ऊपर की रॉड भी फिक्स कर दिया है। तो लास्ट में आपको इस तरह की चार प्लास्टिक की कैप मिलेगी जो आपको इन चारों रॉड के नीचे, स्टैंड के नीचे आपको लगानी पड़ेगी। तो ये मैं लगा रही हूँ इसको। तो ये मैंने चारों कैबों को लगा लिया है स्टैंड पे। तो ये मेरी क्लोथिंग रैक अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल इजी तरीके से असेंबल हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे आपको क्लोथिंग रैक पे दो कलर ऑप्शन मिलेगी, ब्लैक और वाइट। मैंने वाइट लिया है और इसकी जो प्राइस है वो मुझे 1499 रुपीज़ से मुझे मिल गया था अमेज़ोन में। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पर बहुत सारे क्लोथिंग या कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से।